अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज का व्लॉग जो है ना, बड़ा ही मजे वाला होने वाला है। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। आज के व्लॉग में क्या होने वाला है ऐसा, तो आज के व्लॉग में बेसिकली हम एक रेसिपी बनाने वाले हैं, वो है हलीम की। मौसम आप देख लें कितना अच्छा है। इस मौसम में हमने सोचा कि कुछ ना कुछ बना के जो है ना बच्चों में बांटा जाए। और आज हम बनाने वाले हैं हलीम की देग, बड़ी मज़ेदार। अम्मी इस वक्त आग जला रही हैं, आग जला के दालें वगैरह भिगो के रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी। वालेकुम अस्सलाम, की हाल चाल जे। अल्लाह दा शुक्र। ओ देश का साडा जेदे च असीं पकाना जी अज हलीम, बड़ा मजेदार यमी किस्म दा। लोगों को पुछांगे कि किदां दा बनया, ठीक है ना अम्मी जी। नहीं, यमी नहीं बनाउणा, मजेदार बनाउणा। यमी ते करारा हुंदा ना, करारा नहीं बनाउणा। मम्मी करारा ही मजेदार लगता है, करारा ही बनाओगे। अनाया भी है इस वक्त हमारे पास, माल्टे लेकर घूम रही है। अनाया हेलो करो, हाय करो सबको। मम्मा वो बर्तन पड़े हुए हैं धोने वाले, मुझे पता है। तो काम वाली नु बुलाओ, बर्तन धोवे। है अनाया, काम वाली नु चलो बर्तन धो सारे चलो। ये तो अभी नाराज खड़ी है, वो बर्तन पड़े हुए हैं धो लो जाके, जाओ काम किया करो घर के। चलो मेरी गल सुन हुन। हां जी, ओ देश का फड़ा वे ने तो गोश्त फड़ा जल्दी जल्दी, मैं भुन के ते। तो अभी जो है ना अम्मी रखने लगी हैं, अम्मी को चीजें वगैरह पकड़ाते हैं। ये ले अम्मी जान। मैं तो कह रही हूँ पहले इसमें पानी गर्म करके ना सारी दालें भिगो के रख दें। हां जी अच्छा। व्यूअर्स देखो जी किड्डा निक्का चूल्हा वा, ते देश का देखो किड्डा वड्डा वेखो। कम से कम चूल्हा तो थल्ले वड्डा होना चाहिए, पता नहीं अम्मी होना ने कई काम किया वा। अम्मी थोड़ी देर पक जाऊगी इतने। चलो जी, ये भी एक चैलेंज वेखने, एडे निके जे चूल्हे तो एडा वड्डा देश का इन्होंने अड़ाता विच पकदा कुछ के नहीं पकदा। मैनूं तो लगदा इहनूं सेक ही नहीं लगना। हुण जी इहदे च वारी आउंदी आ घे पाउण दी। असीं इहदे च घे पावांगे, प्याज पावांगे, उहनूं ब्राउन करांगे, फिर इहदे च चिकन सुट्टांगे, उहनूं चंगी तरहां भुन्नांगे, ते फिर जिहड़ा ना आपां जिहड़ियां दालां गरम पाणी च भिगो के रखियां वा ना, इह इहदे विच पा देवांगे, ते हलीम तैयार। हलीम नूं कम से कम 2-3 घंटे लगदे पकड़ वास्ते, वड्डा सारा जिहड़ा हलीम बणाईदा। आह लकड़ी दिवो जी। ये प्याज लहसुन वगैरह टमाटर ये भी सब कुछ पीस के रख लिया है पास। और अम्मी का अभी जाके 10 मिनट बाद घी गर्म हुआ है, और अगर नीचे आग तेज होती ना तो ये 2 मिनट में गर्म हो जाना था। अभी डाल दिया जी इसमें प्याज। अनाया देखो इसमें, देखचे में देखो, नजर आ रहा है ये क्या है? ये प्याज है। क्या है ये? प्याज। क्या है? प्याज है। चलो जी इनू हुण असीं ब्राउन होण दिंदे चंगे तरीके नाल, फिर उस तो बाद इहदे विच लसण अदरक पिया होना उत्थे ओ जिहड़ा ना असीं इहनू कुट के पावांगे। पर ये देखिए हमारी जो मुर्गी है ना वो धरने पर बैठी हुई है, अंडे रखे हुए हैं इसके नीचे, और हमने इसके अंदर लाइट भी जलाई हुई है। अभी इसको बाहर निकाला था खाना वगैरह खिलाने के लिए, अभी दोबारा ये अंडों पर बैठ गई है। और मुझे इस तरह मुर्गियां बैठी हुई बड़ी अच्छी लगती हैं, बड़ा प्यार आता है उन पर। जब बच्चे निकालेंगे ना तब भी हम आपसे शेयर करेंगे कि किस तरह के बच्चे इसने निकाले हैं। तो अभी जो है इसका दरवाज़ा बंद कर देते हैं और इसको डिस्टर्ब नहीं करते, ठीक है ना अनाया? ठीक है ना। तो जी व्यूअर्स, मैंने आपको बताया था ना कि उस चूल्हे पर खाना नहीं बनेगा, हमारी देग नहीं बनेगी, इसलिए जो है अब हमने नया चूल्हा बनाया है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि वो नया चूल्हा कैसा है और उसमें आग कैसी जल रही है, उस पर भी हमारा हलीम पकेगा या नहीं। तो साथ साथ हमारी छोटी अनाया भी व्लॉगिंग कर रही है ना। अनाया क्या बनाया हमने? चूल्हा कौन सा? बड़ा। तो चलिए देखते हैं वो चूल्हा। हाँ जी, ये वाला है जी वो चूल्हा जो हमने अब नया बनाया है उस देगचे के लिए, क्योंकि वो देगचा जो है बड़ा है और चूल्हा छोटा है। इस पर पूरा आएगा और खाना जो है ना फिर हलीम मजेदार बनेगा। अम्मी बकरियों के पट्ठे आ गए बे, चलो उठ जाओ इधर पर इनको। अच्छा, चूल्हे की कामयाबी तो बाद हुण अम्मी जी भुन रहे आ गोश्त। गोश्त असीं पाता विच जी, 2 किलो चिकन आ,
किलो बनाना अली पांच छे किलो बन जाना ना अम्मी अम्मी जी फिर उतो इत आ गए अभी जी हम गोश्त भून रहे थे तो तैमूर आ गया। तैमूर कह रहा है कि ये क्या बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं तैमूर? क्या हलीम क्या बना रहे हैं? पसंद है आपको? कितना तो अभी हमने सारे मसाला जार डाल के गोश्त को अच्छे से भूना है। भूनने के बाद अम्मी जी क्या करना है? अम्मी इच हल्दी सी और कुछ भी नहीं सी, हल्दी सी नमक सी ते थोड़ी जी मिर्चा मुर्चा सी। भुन के दाला पा देनिया, दाला सारिया एक दफा पा देनिया ना तो मुड़ के पकने छड़ देना। सही आग भी जो है काफी ज्यादा तेज हो गई है, तड़का वगैरह भी भून गया है, पानी डाल दिया इसमें। हमें थोड़ा सा दिखाएंगी, ये देखे पानी डाल दिया और खुशबू बड़े मजे की आ रही है। काम है वो कंप्लीट हो गया है, हाफ हलीम पक गया और हाफ रह गया है। हम जा रहे हैं बाजार, अब हमें कुछ काम है, हम बाजार से क्या लेने जा रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। हलीम पकते पकते जो है ना हम बाजार से होकर आ जाएंगे, तब तक हमारा हलीम तैयार हो जाएगा। अभी अम्मी से अपडेट लेते हैं कि इसमें क्या डाला है और क्या नहीं डाला। हाँ जी अम्मी जी बताओ। सब कुछ ही डाल देता हूँ। अच्छा एक मिनट इधर बैठो। बाप बहुत ज्यादा आ रही है, इसमें सब कुछ डाल दिया, दालें भी डाल दी, सब कुछ डाल दिया। अभी इसको बस पकाना है 2-3 घंटे। आग जो है नीचे तेज जल रही है, देखिए। हूं जी असि हलीम घर आलिया के हवाले करके तुर पे सी बाजार। असि क्या जी हलीम हूं पकदा रवे ते असि उन्नी देर नूं होए आउंदे आ बाजार। ते तुसी यकीन करो इन्नी ठंड सी, इन्नी ठंड सी, मैं तुहानूं की दसां, ठंड नाल हथ आकड़े पे सी। वीडियो तो की बनानी, बस मैं ना 2 क्लिप ले, बड़े औखे होके मैं कहा ओए होए ठंड बड़ी है। फिर भी तुहानूं दसना सी कि असीं बाजार जा रहे हैं, इन्नी सर्दी विच साडा बाजार जाना भी जरूरी सी, क्योंकि कुछ जिहड़ियां जरूरी चीजा ना असीं लैणियां सी। और उपरों मैनूं ये टेंशन लगी हुई सी कि घर जिहड़ा हलीम है ना, वैसे तो असीं सारा कुछ विच पा पू के आए सी, नमक मिर्च हर चीज, सिर्फ उन्हूं पकाना ही सी। ते सानूं ये सी कि पक जिहड़ा ना उह चंगा जावे, मजेदार हलीम पक जावे। खैर जी असीं अपने सफर ते रवां दवां सीगे, ते ठंड बड़ी सी, इत्थे आ के जिहड़ा ना मेरी बस हो गई सी। मैं कहा बस हुण वीडियो दा एंड करो, हुण अगे जा के वीडियो बनावांगे जदों बाजार पहुंच के। इदां ही असीं बाजार पहुंचे, सानूं जुत्तियां लई दुकान दी सी, जुत्तियां बड़ियां प्यारियां लगियां होईयां सी, असीं कहा जुत्तियां लै लईए, क्योंकि जुत्तियां ले के साडा जिहड़ा दिल मचला गया सी कि जुत्तियां बड़ियां प्यारियां और रीजनेबल प्राइस मिल रहियां सी। असीं कहा अच्छा जी व्यूवर्स, जुत्तियां वगैरह लैन तो बाद असीं आ गए विक्की रजाइयां वाली दुकान ते। असीं कहा असीं ते लैणी आ भाई विक्की रजाई, क्योंकि सर्दी बड़ी है ते रजाई तो बगैर गुजारा नहीं हैगा। चलो जी लईए। असीं कहा हुण दुकान च वड़दे आ, प्राइस पुछदे आ कि किन्ने दी रजाई है। रजाइयां ते बहुत महंगियां सी पर लैणियां भी जरूरी सी। फिर असीं जी इक दुकान दे अंदर वड़े, उत्थे सानूं आ वाली विक्की रजाई पसंद आई और बहुत ही अच्छी सी, वधिया सी, VIP सी। असीं इह फिर लई लै के असीं जी पहुंच गए अगले बाजार। इहदा कवर भी लिया, ओह भी बड़ा प्यारा सी, ओह मैं तुहानूं अगले नैक्सट वीडियो च। हां जी जी हलीम बनाईए ते नाल फिर नान ना होने केड़ी किताब च लिखिया सी कि हुण हलीम भी ले जाइए घर, नान भी ले जाइए घर। हलीम तो बाकी गया हुण, असीं तकरीबन जी 100 नान ले, 5-6 रोगनी ले, बाकी जेडे दूसरे ले लैके ते असीं चले गए घर। जो हमने खत्म दिलाना था ना वो पहले हमने निकाल कर रख लिया, ये मस्जिद में भेज देंगे तो इस पर जो है ना दुआ पढ़ लेंगे। अभी जी यहाँ पे हलीम खाया जा रहा है, सब फैमिली मेंबर्स बैठकर खा रहे हैं, तो हमने सोचा कि पहले हम खुद खा लें फिर जो है ना हम बांटेंगे। हलीम जो है ना बहुत मजे का बना है, मुझे एक दफा हलीम दिखा दें। ये देखें ये पूरी देग हमने तैयार कर ली है, प्लेट भर।
मेरा कोई काम नहीं दस माल अद्धे अद्धे दई इन्हां नूं जाफर आया जाफर का कोला भरो चलो आज का मजेदार व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। कल आने वाला व्लॉग उससे भी ज्यादा मजेदार होगा। अभी बस एक घर में देने वाला है, वो मैं देने जा रही हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।